हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं N2311 और इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है स्टोरग्रीन पेस्ट का। हमने इससे पहले दो स्टोरग्रीन पेस्ट पढ़ लिए हैं, एक राइस वीवल अपना कंप्लीट हो गया है और एक खपड़ा बीटल। थर्ड अपने को पढ़ना है लेसर ग्रीन बोरर। तो लेसर ग्रीन बोरर क्या है, इसको कॉमन नेम, क्लासिफिकेशन, हॉस्ट ग्रीन, डैमेज सिम्टम और लाइफ साइकिल, इन चीज़ों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेसर ग्रेन बोरर में। इसका कॉमन नेम कि जी, लेसर ग्रेन बोरर का सामान्य नाम होता है जिसको बोला जाता है थूथन विहीन सुंडी। तो इसको हिंदी में मैं मेंशन कर देता हूँ, थूथन विहीन सुंडी भी कहते हैं इसको, लेसर ग्रीन बोरर को। बाकी जैसे अपने सभी इंसेक्ट के अंदर जो मेन मेन हेडिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं वो स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण इसका। अभी तक आपने जितने भी पॉलीफेगस पेस्ट पढ़े हैं, स्टोरग्रीन पेस्ट पढ़े हैं, उसमें आपको पता लग ही गया होगा कि हमें क्लासिफिकेशन को कैसे मेंशन करना है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले फाइलम, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसी, ये दो चीज़ें अंडरलाइन करेंगे, अपने हाईलाइट करेंगे। तो फाइलम क्या होगा जी, फाइलम सभी इंसेक्ट का क्या रहता है, आर्थ्रोपोडा रहेगा। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर क्या है, लेसर ग्रीन बोरर एक टाइप का बीटल होता है तो कॉलियोपटेरा। फैमिली इसकी होती है बॉस्ट्रिकिडी। जीनस और जो स्पीसीज है, राइजोबर्था डोमिनिका, राइजोबर्था डोमिनिका, इसको अपने अंडरलाइन कर देंगे। तो लेसर ग्रीन बोरर का क्लासिफिकेशन है जी फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कॉलियोपटेरा, फैमिली बॉस्ट्रिकिडी, जीनस राइजोबर्था और स्पीसीज डोमिनिका। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का कंप्लीट हुआ। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। लेसर ग्रीन बोरर का क्लासिफिकेशन अपने कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे हॉस्ट ग्रेन के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक है हॉस्ट ग्रेन, जिसको पोषक अन्न बोलते हैं, पोषक अन्न, ये अपने कर देते हैं इसको क्लियर। देखो जी, हॉस्ट ग्रेन जिसके ऊपर मतलब राइजोपर्था डोमिनिका जो है वो अटैक करती है, तो जितने भी आप स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ रहे हो वो सारे के सारे हॉस्ट ग्रेन लगभग सेम रहेंगे। तो मोस्टली सबसे ज्यादा खाएगा किसको, वीट को। तो क्या हो गया, गेहूं पे सबसे ज्यादा अटैक है। जो अपने एरिया के अंदर अगर अपने बात करें तो अपने मोस्टली सबसे ज्यादा स्टोर करके रखते हैं गेहूं को। तो हम पढ़ेंगे कि अपने एरिया के अंदर ये गेहूं पर अटैक करेगा, तो इसका होस्ट ग्रीन पहला अपने बात करेंगे तो वो क्या है, गेहूं, चावल, मक्का, जो आप सभी में पढ़ते हो तो वो आपको पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिलेगा। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, चना, आटा आदि के ऊपर ये अटैक करेगा। नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जितने भी गर्म देश हैं अगर अपने बात करें कि जिनके अंदर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, 12 महीने ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पर इसका अटैक देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई जहाँ पे विंटर का जो सीज़न होता है वो ज़्यादा लंबा होगा, वहाँ पर इसका अटैक कम होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि सभी देशों में पाया जाता है जो वार्म कंट्रीज के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट है जी तीसरा टॉपिक, अभी अपने डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं कर रहे। इसके बाद है क्षति और महत्व या डैमेज एंड सिम्टम की हम बात करेंगे। थर्ड टॉपिक पे देखो, क्षति और महत्व में जो आप पढ़ते हो
सभी इंसेक्ट के अंदर की क्षति और महत्व के अंदर हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना होता है कि कॉलियोपटेरा का ऑर्डर का इंसेक्ट है, इसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। तो इसके अंदर होगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब टोटल चार अवस्थाएं, चार फेजेस पाई जाएंगी, कौन कौन सी, एग हो गया, ग्रब हो गया, प्यूपा हो गया और एडल्ट हो गया। क्योंकि ये अपने क्लासिफिकेशन से ही अगर अपने को पता लग जाए तो अच्छी बात है। कई जाके इसको लाइफ साइकिल में रटने की कोशिश करते हैं कि लाइफ साइकिल के अंदर जीवन चक्र में अगर चार हैं या तीन हैं, तो उससे पहले ही आप अपना क्लियर कर लें कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से याद रखिए कि कॉलियोपटेरा के अंदर टोटल चार फेजेस आएंगी लाइफ साइकिल के अंदर, और चारों में से एग और जो प्यूपा है वो तो इनएक्टिव फॉर्म होगी, बचे ग्रब और एडल्ट। और ग्रब और एडल्ट में कईयों का तो देखो अपने 80% इंसेक्ट पढ़ोगे या 90% इंसेक्ट पढ़ोगे जिसके अंदर ग्रब ही मोस्टली ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ग्रब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते जितना ज़्यादा एडल्ट करता है। तो मेन अगर अपने बात करें तो इसके अंदर ग्रब और एडल्ट ये दोनों हार्मफुल होंगे, लेकिन ग्रब से भी ज़्यादा, क्योंकि आपने खपड़ा बीटल पढ़ा उसका ग्रब ज़्यादा हार्मफुल था, राइस वीवल में भी ग्रब ज़्यादा था, लेकिन इसके अंदर बात की जाएगी कि एडल्ट ज़्यादा हार्मफुल होगा। रीज़न क्या है कि देखिए जो एडल्ट है वो खड़ी फसल के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और खड़ी फसल के साथ साथ अगर आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, उस फसल को आप घर पर ले आके स्टोर कर देते हो, तो उसके जो एडल्ट हैं वो साथ में ही आ जाते हैं दानों के, और उसके बाद वहाँ पे अपने अंडे देना शुरू कर देते हैं। अब अंडे देने शुरू करेंगे तो उसका ग्रब निकलेगा, लेकिन वो जो एडल्ट है वो ही दानों को सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, दानों को सबसे ज़्यादा खाएगा, तो वो क्या करता है कि दानों को छेद बनाकर ख़राब करना, फिर कटिंग करके उसको दानों को खा जाता है, प्रॉपर जो है इतना ज़्यादा नुकसान कर देता है कि उसकी जो वेट है दानों का उसके अंदर भी लॉस हो जाता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी ऑलरेडी ख़राब हो जाती है। कई बार तो इतना ज़्यादा अटैक हो जाता है कि ये दानों का भी आटा बना देता है, एम्ब्रियो का पोर्शन ज़्यादा खा जाते हैं। अब जो इनका ग्रब होता है ये स्टार्टिंग के अंदर तो जब आएगा तो वो क्या करेगा कि जो इनके एडल्ट के टूटे फूटे दाने या आटा है उसके ऊपर सर्वाइव करता है, बाद में ये प्रॉपर सीड के अंदर सुराख बनाकर अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है, और अंदर ही उसके अपनी मोल्डिंग करके फिर बाहर निकलता है। तो डैमेज एंड सिम्टम में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसका एडल्ट ज़्यादा नुकसान करेगा, और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं उससे दानों को कट करेगा, और दानों को तोड़ फोड़ कर इतना ज़्यादा नुकसान कर देगा कि उसकी वेट और क्वांटिटी, जिसको है क्वांटिटी और जो उसका जर्मिनेशन होता है, दोनों ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये रहेगा डैमेज एंड सिम्टम। और इसका आटे के ऊपर भी अटैक देखा जाता है कई बार, कि अगर आपने गर्म आटे को आपने टीन के बॉक्स के अंदर डाल दिया तो वहाँ भी इसकी इल्लियाँ हैं, जो ग्रब हैं वो दिखाई देने को मिलते हैं, और जो आप नॉर्मल जिसको सुसरी वगैरह बोलते हैं आटे के अंदर वो भी यही होती है, तो वहाँ भी देखने को मिलती है। तो डैमेज एंड सिम्टम में हम इसकी इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। जीवन चक्र, लास्ट टॉपिक है इसका, क्लासिफिकेशन, हॉस्टग्रेन, डैमेज सिम्टम और लाइफ साइकिल इसका लास्ट टॉपिक है। तो देखिए जी, डैमेज एंड सिम्टम के बाद लाइफ साइकिल में हम पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें मैं इसके ऊपर वाली साफ कर देता हूँ। टॉपिक है अपना लाइफ साइकिल का, तो लाइफ साइकिल के अंदर जो आप चीज़ें लिखते हो, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में पूर्ण कायांतरण है, और पूर्ण कायांतरण के साथ सेकंड है एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट। अब देखो इसके अंदर हार्मफुल क्या है, ग्रब है, एडल्ट है, लेकिन अपने को तो सबके बारे में पढ़ना है, कि सबके बारे की हिस्ट्री देखनी है, कि वही जो मैंने आपको बताया वापिस देखिए, हर इंसेक्ट में वही चीज़ें, टॉपिक वही रिपीट होंगे। एग के अंदर कि एग का नंबर कितना है, टोटल एग कितने हैं, एग कहाँ दिए जाएंगे, टोटल फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर टोटल कितने अंडे देगी, दूसरा पॉइंट हो गया, और अंडों से ग्रब कितने दिन में बनेंगे, तो ये अपने बात करते हैं। तो अगर एग की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मेल और फीमेल, मैच्योर जो मेल और फीमेल हैं वो आपस में कॉपुलेशन करेंगे, सेगमन करेंगे, और उसके बाद जनन के बाद फीमेल अंडे देना स्टार्ट करेगी, और वो अंडे देने का जो टाइम है वो रहेगा कि
कॉपुलेशन के बाद फीमेल 2 से 3 दिन के अंदर अंडे देना स्टार्ट कर देती है, और ये जो अंडे होते हैं वो एम्ब्रियो पार्ट के पास दिए जाते हैं, या तो एकल अवस्था में दिए जाते हैं या समूह अवस्था में दिए जाते हैं। और उसके बाद इससे जो ग्रब निकलने का टाइम है आपको वो बताना है, जो आपको सारा कुछ पीडीएफ में एक सिस्टम वाइज आप पढ़ लेना, उसके अंदर दिया जाएगा। और जो अंडे हैं टोटल फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर कितने अंडे देगी उसके बारे में अपने बात करनी होती है। तो देखो इसके अंदर अगर अपने बात करेंगे कि मादा कीट प्रौढ़ बनने के बाद, मतलब एडल्ट बनने के बाद 4 से 5 दिन में अंडे देना शुरू करती है। जो अंडों का टाइम है, अंडों का टाइम रहता है जी अप्रैल से लेकर नवंबर तक दिए जाते हैं अंडे। तो अप्रैल से नवंबर तक एग लेइंग का काम किया जाएगा। उसके बाद जो मादा है वो जो सीड है उसके एम्ब्रियो के पास, जो अभी मैंने आपको बताया सिंगल या ग्रुप के अंदर एग देगी, और एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर 300 से 500 एग लेइंग करती है। और गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर अलग अलग टाइम दिया गया है कि एग से ग्रब निकलने का टाइम क्या रहेगा। तो मेन जो बात करेंगे अपने एग है 4 से 5 दिन बाद आफ्टर कॉपुलेशन। इसको अपने एक बार हटा देते हैं, आफ्टर कॉपुलेशन 4 से 5 दिन बाद। नेक्स्ट लाइफ साइकिल के अंदर, सॉरी, एग देने का जो टाइम अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक, एग लेइंग करी जाएगी। नेक्स्ट एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल में 300 से 500 एग देगी, और सिंगल या ग्रुप में अंडे दिए जाएंगे। तो ये एग की डिटेल होगी कि आफ्टर कॉपुलेशन 4 से 5 दिन के बाद एग लेइंग का काम स्टार्ट होगा, और अप्रैल से नवंबर तक अंडे दिए जाएंगे। 300 से 500 अंडे एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल में देती है। और लास्ट इसके अंदर अपने बात करेंगे कि कितने दिनों के बाद ये अंडे जो हैं वो ग्रब के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ग्रब की अगर अपने बात करेंगे तो अलग अलग टाइम होगा कि गर्मियों में अलग है सर्दियों में अलग है। तो गर्मियों की अगर बात करें तो 5 से 6 दिन, और सर्दियों में 5 से 6 और 15 से 21। ये तो रहेगा समर का और ये रहेगा विंटर का। मेरे अकॉर्डिंग एग के जो टॉपिक के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अपने नेक्स्ट चलेंगे ग्रब के ऊपर। ये हो गया। देखो जी, जो ग्रब है अंडों से जो ग्रब निकलने का टाइम है गर्मियों में 5 से 6 दिन का, सर्दियों में 15 से 21 दिन का। अब बात करते हैं कि ग्रब कैसा होगा। जो ग्रब होता है, देखिए, जो आपको मैंने बताया था कि कैसा सी टाइप का ग्रब हो जाता है मैच्योर होने के बाद, थोड़ा ऐसा ग्रब हो जाएगा सी टाइप का। स्टार्टिंग में जब अंडों के भ्रूण के पास, मतलब ये अंडों से ग्रब निकलते हैं, तो ये तेजी से निकलते हैं और इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं। जो टूटे फूटे जो दाने हैं उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, सरवाइव करेंगे अपने आप को। और उसके बाद जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद ये प्रॉपर सीड के अंदर सुराग बनाकर अंदर घुस जाते हैं, और तब तक बाहर नहीं आते जब तक इनकी प्रॉपर मॉल्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, और ग्रब नुकसान पहुंचाते हैं अपने माउथ पार्ट से, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर जो त्वचा निर्मोचन है, मेन बात वो याद रखनी होती है कि 4 से 5 बार त्वचा निर्मोचन करने के बाद ये 40 से 50 दिनों में किसमें चेंज हो जाते हैं, प्यूपा फेज के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो वो अपने लिखेंगे, जो ग्रब है 4 से 5 मॉल्टिंग करेगा। और मॉल्टिंग क्या है कि पुरानी स्किन जो है वो उतरती रहती है और नई आती रहती है, मतलब इंसेक्ट ग्रोथ करता रहता है। और नेक्स्ट जो अभी बताया 40 से 50 दिनों के बाद किसमें चेंज हो जाएंगे, प्यूपा के अंदर चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ग्रब में आपको मेन दो ही बातें याद रखनी है कि
कि अंडों से निकलने के बाद जो ग्रब है वो 4 से 5 बार मोल्टिंग करते हैं, सीड के अंदर ही मोल्टिंग होगी, आफ्टर 40 से 50 दिन के बाद ये प्यूपा में चेंज हो जाएगा। अब अपने बात करनी है प्यूपा के बारे में। अब जो प्यूपा है कि मोल्टिंग करने के बाद मान लो कि प्रॉपर मैच्योर हो जाता है जो इंसेक्ट, वो क्या करता है, मैच्योर जो ग्रब है वो बाहर आता है अंडे से, और सीड से बाहर आएगा, और उसके बाद सीड के बाहर किस में चेंज हो जाएगा, प्यूपा के अंदर चेंज हो जाएगा। ये जो प्यूपा फॉर्म होती है वो 7 से 8 दिन की होगी। प्यूपा के अंदर बात करेंगे, ये देखो ये सीड के अंदर भी हो सकती है प्यूपा फेज और बाहर भी, अंदर या बाहर प्यूपा फेज आएगी। अब ये जो प्यूपा फेज है ये कितने दिन तक रहेगी कि प्यूपा से एडल्ट में चेंज हो जाएगा वो, तो जो प्यूपा फेज होती है वो रहती है 7 से 8 दिनों के अंदर। तो ये 7 से 8 दिन की होती है। अब बात करेंगे एडल्ट की, कि प्यूपा से 7 से 8 दिन के अंदर जब एडल्ट निकलेगा तो एडल्ट कैसे हैं, इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल पाए जाएंगे, वो कॉपुलेशन करेंगे, कॉपुलेशन के कितने दिनों के बाद, अभी यहाँ लिखा था आपने 4 से 5 दिन के बाद जो फीमेल होती है वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है, और इसके जो एडल्ट होते हैं मेजर वो ज़्यादा एडल्ट ही हार्मफुल होते हैं, ये खड़ी फसल के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, और जब आप हार्वेस्टिंग करके फसल को घर लेके आते हो उसके बाद स्टोर करते हो तो उसी के साथ स्टोर हो जाते हैं और अंडे देने का काम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इसको अडेप्टेटिव एनवायरमेंट मिलता है तो अंडे देने के बाद ये क्या कर देते हैं, अंडे देने के बाद अपने ग्रब पैदा करते हैं और नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये तो अपने बात कर ली इसके लाइफ साइकिल की, अब अपने इसका जो प्रॉपर लाइफ साइकिल को ड्रॉ करेंगे जो आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर बनाते हो। तो वो अपने लास्ट ड्रॉ करते हैं एग, ग्रब, प्यूपा, एडल्ट। अब देखो एग से जो ग्रब निकलने का टाइम है जो अपने बात की, मतलब पहले अपने बात कर लेते हैं कि एडल्ट से एग जो है वो कितने दिन के अंदर दिए जाएंगे, तो वो है स्टार्टिंग में जो बताया 4 से 5 दिन के अंदर। एग से जो ग्रब है उसके अंदर दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी, गर्मियों में और सर्दियों में, मतलब समर के अंदर बात करेंगे और विंटर के अंदर बात करेंगे। तो समर में रहता है 5 से 6 का, और विंटर के अंदर 15 से 21 दिन का रहेगा। अब ग्रब से प्यूपा जो निकलने का टाइम है वो रहेगा जी 40 से 50 दिन का। और प्यूपा से एडल्ट बनने का जो टाइम है वो रहेगा 7 से 8 दिन का। ये चीजें अभी अपने पढ़ी थी, और अंदर अपने जो लिखेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और टोटल टीएलसी। अब देखो टीएलसी भी दो चीजों में आ जाएगा, समर में और विंटर के अंदर, कि टोटल जो लाइफ साइकिल है कि पूरा जीवन चक्कर ये गर्मियों में कितने दिन में पूरा करती है और सर्दियों में कितने दिन में पूरा करती है। तो इसमें लिख देते हैं जी 16 से 50 दिन तो माने जाते हैं कि 16 से 50 दिन के अंदर ये गर्मियों के अंदर अपना जीवन चक्कर पूरा कर लेती है, और 50 से 70 दिन के अंदर विंटर के अंदर इसका जीवन चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसका जीवन चक्कर रहेगा टोटल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का। इसके बाद अपने बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कंट्रोल स्टोर ग्रेन के जितने भी पेस्ट हैं उनका कंट्रोल एक जैसा ही होगा, वो लास्ट में अपने एक वीडियो बनाएंगे। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट अपनी वीडियो क्लास जो अपने जूम क्लास होगी उसके ऊपर आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो अपने नेक्स्ट इंसेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो मेजर इसके अंदर 3 जो है इंसेक्ट आपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही।